में आ चुके हैं। यहाँ तो हमारे तवक्को से ज़्यादा यहाँ पर रश, तवक्को से भी ज़्यादा है, देखें कितना रश है। हाँ भाई यासिर भाई आप आइए। नहीं आप कहो क्या ले रहे हो, कौन पॉपकॉर्न ये पसंद आ रहा है, कौन सा वाला, ब्लैक वाला ग्रीन वाला। इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई, इतनी पब्लिक है कि लगता है सारी कराची की जो पब्लिक है वो यहाँ। ये शूज़ मेरे दोस्त को पसंद है, लेकिन ये हमने अपने लिए शूज़ ले लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक और न्यू ब्लॉग के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, एक या दो रोज़े रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह ईद होगी और हम रमज़ान को अलविदा कह देंगे और माह रमज़ान जो हमारे बरकतों वाला महीना था वो एंड हो जाएगा और हम फिर इसके बाद ईद मनाएंगे। तो जैसे कि आज हम एक और न्यू ब्लॉग बना रहे, तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरी कुछ शॉपिंग रह गई थी, मीन्स के शूज़ वगैरह रह गए थे और पेंट शर्ट और तकरीबन शलवार कमीज तो हमने ले लिए। अभी मेरे जो दो दोस्त हैं उन्होंने भी कुछ लेने हैं तो उनके साथ जाएंगे और मेरा छोटा भाई उसको भी शॉपिंग करानी है, तो चलते हैं वहाँ से कुछ लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। अभी डिसाइड तो नहीं हुआ कि कौन सी हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह जब वहाँ जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी जगह लेके जाऊँगा और आपको मज़ा आएगा, लोग को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अभी हम जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए, मेरे भाई के शूज़ लेने, और अपने लिए भी मैं देखूंगा और जो मेरे दोस्त हैं दो उनके लिए भी देखता हूं, अगर उनको भी वहाँ शूज़ पसंद आ जाते तो वो लेंगे। और हम जा रहे हैं अभी गरीब शाह की एक मार्केट है लियारी के अंदर, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से शूज़ लेते हैं और आपको मार्केट में भी दिखाता हूँ कि रश है या वहाँ पर पब्लिक कितनी है और प्राइस वहाँ पर क्या है, सब देखेंगे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और उसके साथ साथ ये है कि आज गर्मी भी काफ़ी है, अभी देखते हैं वहाँ पर जाते हैं तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी है वहाँ पर। और हम गरीब शाह की मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ तो हमारे तवक्को से ज़्यादा यहाँ पर रश है, हर तरफ रश ही रश है, हमें बाइक भी दूरी पार करके आनी पड़ी क्योंकि यहाँ रश पहुँचता। और यहाँ पे रश हमारी तवक्को से भी ज़्यादा है, देखें कितना रश है, पूरी गली बिल्कुल चकाचक भरी हुई है और ये काफ़ी लॉन्ग हेल्थी गली है और हर तरफ ये चप्पल की मार्केट है, चप्पलें चप्पलियाँ मिलती हैं। ये राशिद साहब हमें पकवान खिला रहे हैं। हाँ भाई राशिद क्या ले रहे हो? हाँ भाई यासिर भाई आप आइए। नहीं आप कहो क्या ले रहे हो, पॉपकॉर्न? ये पॉपकॉर्न ये वो जिशान मुल्ला के लिए पॉपकॉर्न लिए, उनको बड़े पसंद है, फेवरेट है इनके पॉपकॉर्न। ये देखिए गरम गरम पॉपकॉर्न, फेवरेट है जिशान मुल्ला के पॉपकॉर्न, बड़े शौक से खाते जिशान मुल्ला। इस शॉप पे चलते हैं और देखते हैं अगर हमारे मतलब का कोई शूज़ हुआ तो। राशिद को कोई पसंद आ रहा, राशिद कौन सा वाला, ब्लैक वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला तो मैंने पहना है, ये ब्लैक वाला मेरा वाला भी उसमें। पता नहीं इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई, इतनी पब्लिक है कि लगता है सारी कराची की जो पब्लिक है वो यहाँ चल के आ गई है, इतनी ज़्यादा हो रश और गर्मी उससे भी ज़्यादा, अब से इतना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मेरे मुंह का पसीना देखें कि कितना हफ्स हो रहे हैं यहाँ पर, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि शायद हमें हमारी मनपसंद शूज़ वगैरह मिल जाए। और अभी एक और शॉप पर आए, यहाँ देखते हैं अगर हमें शूज़ पसंद आ जाए। और जब भी आप मार्केट में जाएँ तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यहाँ पर चोर वगैरह बहुत हैं, तो अपनी जेब का जो सामान है वो कोशिश करें कि हाथ में ले लें ताकि चोर आपकी जेब ना काट सके, वरना ये है कि आपके साथ अगर कोई आपका भाई वगैरह या दोस्त वगैरह उसके हाथ में दे दे, उसको बोलो कि हाथ में जेब में नहीं डालना, अगर जेब में डालेंगे तो वो काटने में आसानी करते, तो अपनी एहतियात खुद कीजिए और इंशाल्लाह आप सेफ रहेंगे। ये शूज़ मेरे दोस्त को पसंद है, लेकिन जब इसने इसकी प्राइस सुनी है तो उसने कहा कि ये नहीं, अभी शूज़ तो अच्छे हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद ये ब्लैक वाला मैं अपने ले लूँगा, और आप भी बताना कि ये शूज़ अच्छा है या नहीं। ये हमने अपने लिए शूज़ ले लिए, ये आपको मैं अभी घर जाके दिखाऊंगा, और वो जो जोगर्स थे वो तो नहीं लिए, लेकिन ये अलग शूज़ है, कैजुअल शूज़ वो ले लिए, और इसको घर पे जाके मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या लिए। ये देखें पब्लिक कितनी है यहाँ, बाइक्स वगैरह भी अलाउ नहीं करते अंदर आने के लिए, बाइक्स आपको बाहर ही पार्किंग बनी है वहीं पर ये स्टॉप कर लेते हैं।
और तकरीबन जो हमने चीज़ें लेनी थी वो ले चुके हम। ये ईशान भाई ने भी ले लिए और पीछे वहाँ बैठा मेरा भाई, उसने भी ले लिए। और राशिद ने शूज़ तो पसंद किए थे लेकिन इसको शूज़ पसंद नहीं आए, तो इंशाल्लाह वो रहे कि कल आएंगे और ले लेंगे। अभी देखते हैं, अगर कल आते हैं तो हम ये ब्लैक वाले जो शूज़ मैंने आपको दिखाए थे वो वाले ले लेंगे। शूज़ यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं लेकिन कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं मिलते। लेकिन एक कॉपी होती है जो चाइना की फर्स्ट कॉपी होती है, और ईरान की जो चप्पलें होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और ये जो पार्किंग है यहाँ से एंटर नहीं होने देते, बाहर ही आपको पार्किंग करनी पड़ती है और फिर आपको पैदल अंदर आने पड़ता है। ये देखिए ये खड़े में पार्किंग वगैरह कराते हैं। यहाँ ट्रैफिक इतनी पार्किंग जाम हो गई है। ये सारी पार्किंग लगवाई है इन्होंने, बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले। और ये हम अभी लियारी के अंदर हैं और लियारी से ये रास्ता जाता है ली मार्केट की तरफ, और फिर आगे एक और मार्केट है वहाँ पर देखते हैं हमें कोई लोफर्स पसंद आ जाते हैं। ये जान और मेरा भाई छोटा, इन्होंने भी शॉपिंग कर ली सामान, इन्होंने अपना आगे वापस। इतना रश और इतना हब्स आज तो कराची में बहुत ज़्यादा हब्स था, वहाँ पर इतना हब्स था कि पूछे मत, मेरे को तो पसीने आ रहे थे वहाँ पर। पसीने के साथ साथ वो ऐसे नहीं फील होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, एक तो पब्लिक बहुत थी वहाँ पर, तो शायद पब्लिक की वजह से वहाँ पर हब्स हुआ हुआ था। तो मैंने तो शुक्र किया कि वहाँ से निकला हूँ, और अभी दूसरी मार्केट में हम जा रहे हैं। एक तो हर दो दिन बाद मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाता है, पहले गले में दर्द होता है उसके बाद फ्लू स्टार्ट हो जाता है। रमज़ान के बीच में पहले हुआ था, अभी फिर हो गए। आप इसकी प्रॉपर इलाज बंदा कैसे करे, रोज़ा रखा होता है, मेडिसिन भी नहीं ले सकता। अब दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक सेहत दे। और अभी हम आ गए टावर पे, ये बाखड़ा होटल था पहले, ये VIP बाखड़ा होटल, काफ़ी फेमस होटल था ये खारा तर का। और अभी ये अलमदीना रेस्टोरेंट परफान सेंटर नया खुला, अभी यहाँ से देखते हैं अगर हमें कोई शूज़ पसंद आ गए तो गारंटी है। यहाँ से वो लोफर्स वगैरह देखते हैं, शॉप वगैरह काफ़ी यहाँ पर, अगर देखते हैं राशिद को पसंद आ गया तो गुड है, और नाकानी घर घर की करें। अच्छा, गरीब शाह से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर खारा तर में पब्लिक कम है, और गरीब शाह में पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थी। शायद वहाँ पर शॉप्स वगैरह ज़्यादा हैं और उनकी मटेरियल भी अच्छा है, इसलिए वहाँ पर रश था। लेकिन यहाँ पर तो खारा तर में उससे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी एक और शॉप पर आए, यहाँ देखते हैं अगर हमें लोकल से चीज पसंद आ जाए तो। अच्छा, अलमदीना रेस्टोरेंट का हम जाके कुछ खाते हैं, जो भूख लगी है बिरयानी खाते हैं या बीफ पुलाव खाते हैं। अभी जो आएगा हम दिखाएंगे, हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा है इनका आइटम से बिरयानी और बीफ का जो पुलाव है। और अभी अलमदीना की हम बिरयानी और पुलाव खाते हैं, बीफ पुलाव तो अच्छा नज़र आ रहा है, टेस्ट करते तो पता चलेगा। और ये चिकन की बिरयानी है, ये बताया टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये टेस्ट कर रहे हैं राशिद, ये ईशान भाई टेस्ट कर रहे हैं। कैसी बिरयानी? अच्छा, मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ अलमदीना रेस्टोरेंट खुले, पहले बकरा होटल होता था अब वो ख़त्म हो गया, और अलमदीना बिरयानी और बीफ पुलाव का इन्होंने चिकन खोला। अभी मैं दिखाता हूँ तो इनका टेस्ट कैसे है। है तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे वहाँ एक महबूब बिरयानी वाला है उसका मुकाबला नहीं करता है। अच्छे है नो डाउट, लेकिन उसका और इसका मुकाबले करेगा, लेकिन ये भी अच्छा है, आप भी आगे टेस्ट कर सकते हैं। और आज की जो हमारी शॉपिंग थी उसमें मैंने ये अपने लिए एक पैंट लिए और ये शूज़ लिए, ये पैंट और ये शूज़ लिए। ये मैंने आपको बोला था कि घर जाके दिखाऊंगा, ये क्लार्क का शूज़ है और ये बनाना वालों की पैंट है। तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। खाना खा लिया, शॉपिंग की होगी, और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।